आज है दशहरा, तो आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी दशहरा। आप लोग जा रहे हो रावण देखने या नहीं? रावण का मेला हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग रेडी हो रहे हैं फटाफट फटाफट। पता है टाइम हो गया है 6:45। हमने सोचा था कि ना 6 बजे तक हम निकल जाएंगे, पर हमारे घर गेस्ट आ गए थे तो हम नहीं जा पाए जल्दी, पर अब हम निकल रहे हैं। ये मैंने पहना है व्हाइट, इन्होंने पहना है, दीदी ने पहना है रावण की ड्रेस। रावण की ड्रेस मेरी नहीं है, रावण वाली जो लड़की है ना वो भी आ रही है। आज मेरे पास है मेला घूमने के लिए पूरे 20 रुपए। तो चलो हम तैयार हो जाए फटाफट फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे और आपको भी दिखाते हैं अपने यहाँ का दशहरा सेलिब्रेशन कैसे होता है, हम कैसे हमारे इस एरिया में कैसे सेलिब्रेट होता है। और पता है मेरे भाई और उसके फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर ना रावण बनाया है इस बार, और वो इस एरिया का सबसे बड़ा रावण बनाया उन लोगों ने। लेकिन अभी उसने बोला कि ना उसका रावण ना टूट गया, वो अब देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ही, देखते हैं क्या करते हैं। तो चलो चलते हैं, मैं हो चुकी हूँ रेडी, ये अभी तक हो रहा है रेडी क्योंकि ये है लेट लतीफ। चुनिन, आई एम आल्सो रेडी। चलते हैं, और अभी जो है हम वेट कर रहे हैं अपने भाई का, वो आने वाला है। तो फिर हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम निकल रहे हैं दशहरा देखने के लिए। टाइम हो चुका है, हमें जाना है जल्दी जल्दी भाग भाग के क्योंकि रावण फूट जाता है 7 बजे तक। तो चलो आओ, आप भी, आपको भी दिखाते हैं। एक रावण हमारा 21 फीट पूरा 21 फीट का, जो कि हमारी गली के बिल्कुल बाहर है। नहीं, एकदम हमारे गली के बाहर वाले पार्क में आपको आना है तो आ जाए। वो हमारी आंटी आ रही है ना, उसी के सामने पार्क है, इसका नाम है निक्की भक्षी। इतना प्यारा रावण बनाया है, उसको वो फोन कॉल भी कर रहा है, वो देखो। तो हम सब निकल चुके थे रावण दहन देखने के लिए और सभी लोग जा रहे थे क्योंकि हमारे एरिया का सबसे ना बड़ा रावण जो होता है ना वो वहीं पे ही जलता है। रावण नहीं फोड़ना, क्या फोड़ने आई है। देखो हम लोग पहुंच चुके हैं, कौन सा गेट से निकले, क्योंकि हमारे एरिया का सेंटर पार्क है, हमारे एरिया का सेंटर पार्क है, वहाँ पे हर साल रामलीला होती है। हर साल जल्दी कर दिया जाता है लेकिन ना इस बार थोड़ा लेट हो गया था, तो वहाँ पे चल रहा था मैजिक शो और देख सकते हो कि कितनी ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। ये तो फिर भी कम है, हर साल बहुत होती थी, इस बार कम थी भीड़, पता है। दस मुंह वाली, मैं हूँ राम जी। जो ये सामने एक स्टेज जैसा बनाया ना, तो यहाँ पे मेन रामलीला होती थी, पर जब से कोविड हुआ ना तब से रामलीला होनी बंद हो गई थी। लेकिन जब रामलीला होती थी ना बड़ा मज़ा आता था, और इस बार यहाँ पे रावण लगा दिए हैं, वरना इस साइड पे रावण लगाया जाता था। ये पार्टीशन कर रखा है बीच में पार्क के, दूसरी साइड पर रावण लगते हैं और उस साइड पर होती थी रामलीला। तो हमें वहाँ पर मिल गई थी निक्की की फ्रेंड और उसकी भाभी थी, और ये निक्की की फ्रेंड की भतीजी है, ये हमारे सारी वीडियोस देखती है, इसको बहुत मजा आता है। चलिए हाय बोलो, क्या है ये, क्या है ये, बंद कैसे होता है। रावण दहन होने में टाइम था तो हमने सोचा चलो थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट लगा हुआ था और जो चारू है ये ना कह रही थी कि मुझे ये गदा चाहिए, हनुमान जी वाला, पता नहीं क्या करना था इसको। और क्या खाना है आपको। हम सब बड़े एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे मार्केट, और
यहाँ पे ये ना भोपू बच रहा था, मिल रहा था तो मैंने भी लिया एक। तो ये देखो सारा मार्केट लगा हुआ है, कौन सी वाली? चारू कह रही है कि ये पीपनी लेनी है, पचास, वो वाली तो 40 की दे रहे हैं उधर। ये चारों बच्चों वाला सामान खरीद रही थी, इसको लेजर लाइट चाहिए थी क्योंकि इसको ना रावण पे लेजर लाइट मारनी थी, इसीलिए ये बस पागलों की तरह कह रही दीदी मैं ये ले लूं। पे ना ये मिल रहा था फ्लोरल क्राउन था ये एलईडी वाला, लेकिन जब मैंने इसका प्राइस पूछा पता है कितने का था, 80 रुपीज़ का। मैंने कहा क्या ही करना है क्योंकि इसके सैलरी को जाते हैं तो फिर ये पड़ा ही रहता है, किसी काम का नहीं रहता। लेकिन मैंने शोर मचाने के लिए छोटा वाला भोपू या पीपनी जो भी बोलो वो ले लिया था, बड़ा मजा आ रहा था, पूरे मार्केट में मैंने ये बजाया। सेंटर पार्क के सामने भी एक छोटा सा पार्क था, वहाँ भी ना बड़ा ही प्यारा सा गेट सजा रखा था और वहाँ पे चल रही थी प्रोजेक्टर पर रामलीला पुरानी वाली। सारे लोग बड़े आराम से नीचे बैठ के पुरानी वाली रामलीला देख रहे थे और यहाँ पे भी रावण बनाया था एक। अब राम का भी मस्तक काट कर आपके चरणों में ला दूं तो कभी शोक की ज्वाला बुझे। इंद्रजीत तुम्हारी जय हो। लक्ष्मण मर्दन करने वाले होगी हमारी नजीत। फिर हम वहाँ से निकल चुके थे और देखो बच्चे कितना मज़े कर रहे हैं। पहले बचपन में भी हम लोग मम्मी पापा से कहते थे हमें तलवार चाहिए, तीर कमान चाहिए, बहुत मज़ा आता था पहले। पता है हमारे साथ आगे चल के ना एक पोपट हो गया, वो आपको आगे पता चलेगा क्या हुआ। पर हमने सोचा अभी ये सेंटर पार्क वाले रावण में टाइम है तो हम राजधानी पार्क चलते हैं, वहाँ पे हित्तू और उसके फ्रेंड ने मिल के बनाया है तो वो देखते हैं कि कैसा बनाया है जाके। तो हम वहीं जा रहे थे तो अब हम लोग जा रहे हैं, वो जल्दी घूम लिए, हमें लगा था कि हम घूम ही नहीं पाएंगे इस बार, जल्दी निकलेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे हम जल्दी नहीं, हम सही टाइम पे आए हैं। हर बार जो है 8 बजे आते हैं, नहीं हर बार 8 बजे तक रावण जो है वो फूट जाता है, रावण का दहन कर दिया जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो रहा है और इस बार लग रहा है थोड़ा टाइम, वो बोल रहे हैं कि 9 बजे होगा। तो हमने सोचा चलो थोड़ा मार्केट घूमते हैं, मार्केट घूम लिया है, अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे वाले पार्क, जहाँ पे जिस पार्क में मेरे भाई और उसके फ्रेंड्स लोगों ने मिलके रावण बनाया। हम उस पार्क में जा रहे हैं और उसका रावण ना टूट गया था खड़ा करते टाइम। आगे की जो क्लिप्स हैं उस पर मैंने ऐड किया है कि हित्तू और उसके फ्रेंड्स ने मिलके किस तरह से रावण बनाया था, तो वो सारी क्लिप्स हैं। तो
इतनी मेहनत से इन लोगों ने रावण बनाया, और जब लगा रहे थे ना तो लगाते वक्त इनका रावण गिर गया था एंड टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ना सब सैड हो गए थे, पर फिर सबने मिलके जुगाड़ करके कुछ ना कुछ किया और रावण को खड़ा किया। अभी तक हम लोग एक घंटे से घूम रहे हैं, एक भी रावण नहीं फूटा, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं फूटा। अब देखते हैं कि उनका रावण उन लोगों ने कैसा बनाया, कह तो रहे हैं कि बहुत बड़ा रावण बनाया है। ये जो हमारा अभी हम जिस पार्क में गए थे ना, जिस पार्क में हम गए थे ना, वो है हमारे एरिया का सेंटर पार्क। यहाँ पे हर बार रामलीला होती है, हर साल रामलीला होती है, और हमारे हर एरिया में मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे ना रावण का पुतला बनाया जाता है। तो हम लोग तो जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। आप सब कैसे इंजॉय कर रहे हो आप सब ज़रूर बताना। तो हम लोग पहुँच चुके हैं उस पार्क में, ये उस पार्क की एक छोटी सी एंट्री है, मतलब बहुत सारे गेट है, तो ये एक दूसरा गेट है। हो रहा ये है हमारा दूसरा वाला पार्क, राजधानी पार्क, और ये है वो रावण जो मेरे भाई और उसके दोस्तों ने मिलकर बनाया है। ये है हमारे हित्तू का रावण, बहुत ही बढ़िया रावण है, बहुत बड़ा रावण, और आप देख सकते हो मतलब कि दूर से कितना बड़ा दिख रहा है। इसको अपनी अपनी तरफ लो, और ना पता है उनका रावण ना गिर गया था, इसलिए उसकी जो छाती है वो भी क्या गई, ऐसे क्यों है। अच्छा ये भी देखो कि उन लोगों ने यहाँ पे ना डीजे और साउंड लगाया है, सारे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट करके, और यहाँ पे सबका डांस हो रहा है, शायद इसमें मेरा भाई भी होगा, अभी नहीं है, अभी वो गया हुआ है रेडी होने। ये देखो इतना बड़ा रावण इन लोगों ने बनाया था, और जब वो गिरा ना तो उसकी जो छाती थी पूरी पिचक गई थी, और हाथ भी था टेढ़े हो गए थे, तो पर कोई बात नहीं, अच्छा था फिर भी, काफ़ी अच्छे से बनाया था, काफ़ी अच्छा बड़ा खासा फेस बनाया था इन लोगों ने, और बम भी अच्छे खासे लगाए थे, जब फूटा था तो बड़ा मज़ा आया। हित्तू भाई सब कर रहा था डांस, और उसे पता नहीं था कि हम उसकी वीडियो बना रहे, क्योंकि हम चुपके से बना रहे थे उसकी वीडियो। सबने मिलके स्काई शॉट्स चलाए। हैप्पी दिवाली।
धोखा दिया, कहा था 9 बजे फूटेगा बट उन्होंने 8:30 ही फोड़ दिया। तो वहाँ का जितना भी क्राउड था अब वहाँ से यहाँ आ गया है। हम लोगों ने मूव भी किया वहाँ जाके पर मिस कर दिया, तब तक फूट चुका था सब। हमने अभी तक कोई भी रावण फूटते नहीं देखा है, हम बस स्काई शॉट ही देख रहे हैं। तो इतना सारा भीड़ आ चुका है, तो अब जाने की बारी आ गई है रावण जी को। आखिरी नमन करते हुए अब इनका राम जी के थ्रू, राम जी के द्वारा इनका अंतिम संस्कार होगा। हम लोग इस पार्क में आके खड़े हो गए हैं, और बजा दो एक बार। हाँ चलो, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है, कुछ भी नहीं हो रहा। और हमारे रावण जी को आप विदाई दे दो, बाय बाय बजाने का टाइम आ चुका है। छोटे से रावण में से ना एक छल्ला निकल के गया, मैंने ना निक के चार से कहा ये ना रावण की आत्मा निकली है। तो पता है हमारे साथ एक पोपट हो गया है, हमें ना सेंट्रल पार्क का भी देखना था। वो उन्होंने बता चुकी आपको, उन्होंने बोलता 9 बजे चलेगा और हम ना 8:30 बजे 9:45 वहाँ पहुँचे, लेकिन 9:45 तक तीनों रावण फूट चुके थे। और हमारा तीनों रावण 1, 2 और 3, तो हमें अभी यहीं पर आना पड़ा है। अभी इस रावण की हो रही है आरती, अब इसकी बारी है चलने की। हो चुका है, अब हम जा रहे हैं कुछ अपनी पेट पूजा करने। पता नहीं यहाँ पे क्या मिलेगा क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है, तो देखते हैं क्या मिलता है मार्केट में। और ना एक बम चल रहा था तो इनके सर पे लग गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा पागल हो गई। हमें लग रही थी बहुत तेज की भूख, तो हमने सोचा चलो अब कुछ पैक करा लेते हैं। तो हमने फटाफट से पैक कराई वहाँ पे टिक्की, और हमारी नजर ना छोले कुलचे पे नहीं पड़ी, वरना हम छोले कुलचे भी ले लेते, उसके बदले हमने ना छोले भटूरे ले लिए। फिर हम जाने लगे थे घर, और ये वही सेंटर पार्क है जहाँ पे थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब सन्नाटा है। और इसके बाद की जो क्लिप्स है ना वो है गांधी विहार वाले रावण की, वहाँ पे जो रावण बनाया और जिस तरह से जलाया है ना, बहुत औसम था, देखना आप।
उड़ी काट के भाई कब उचा उचा रहे बैठे हां वो कंटिन्यू बंदा कंप्यूटर अंदर है तभी मेरे मुझसे तो पूरा नहीं हो रहा ये मोटे मोटे लेते हैं चलो बाय बाय बोल दो इसमें भी बजा के दिखाओ बजा के तेज की कौन आया भाई बॉय बॉय कौन है भाई कौन है चलो 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 आओ 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 देखो हम क्या लाए क्यूटी ओ बाबू अच्छा 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 ये क्यूटी क्यूटी चीज दिखाऊं क्यूटी बाबू क्या हो गया आ जा 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 ये देख जल्दी आ अच्छा तो हम लोग आ चुके हैं घर पे और टाइम हो रहा है 10 मतलब पूरे 10 ही बजे हैं 10 बजने में 10 मिनट रह गए हैं हम लोग आ चुके हैं चेंज वेंज कर लिया है हाथ मुँह धो चुके हैं और हमारी जो क्यूटी है वो उसको हम छोड़ कर गए थे वो वेट कर रही है पता है किसका क्यूटी का फीस के अब हमें लग रही है बहुत तेज की भूख हमने सोचा था कि वहीं पर खा लेंगे पर वहाँ पर ना एक तो भीड़ भी बहुत हो रही थी और वहाँ पे ठीक से खाया भी नहीं जाता है घर पे आके सही से खा लिया जाता है तो फिर हमने पैक करवा लिया था और जो अभी हितू है वो अभी आपने देखा होगा जैसा कि डांस कर रहा है वो अपना डीजे वीजे लगा के पूरा उन लोगों का ना पता क्या रहता है हर फंक्शन से मतलब हर ओकेजन में जो भी फेस्टिवल होता है चाहे गणेश चतुर्थी हो या फिर कुछ भी होता है कोई भी फेस्टिवल तो ये सारी करते हैं ना कंट्रीब्यूट कर लेते हैं पैसे और फिर ना उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छा लगता है होली पे भी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं 15 अगस्त पे हमारे यहाँ पे पतंगें उड़ाई जाती हैं तो भी ये कंट्रीब्यूट कर लेते हैं और बहुत ही लोगों की तरह घर पे ही रहते हैं लेकिन पता है हम ना इसको बहुत डांटते हैं इस चक्कर में कि तू ये सब क्यों करता है फालतू में लेकिन आज ना मतलब जब देखा था ऐसा लग रहा था कि मज़ा तो बड़ा आ रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था हम भी डांस करें पर नहीं कर सकते थे वहाँ पे बहुत सारे ना बॉयज थे अच्छा नहीं किसी को जानते भी थे नहीं जानते थे एक आंटी ने हमसे बोला भी था कि बेटा डांस कर लो आ जाओ कोई बात नहीं क्या मतलब एक आंटी जो थी वो हमारे भाई की ना फ्रेंड की मम्मी है तो उन्होंने बोला था कि बेटा आ जाओ डांस कर लो पर हमने कहा नहीं मेरा इतना मन करना था डांस करने का तो मन करता मैं दीदी को बोलती थी दीदी घर पे चलो मेरे को डांस करना है ये ना बहुत गंदी है इसकी वजह से ही वो सेंट्रल पार्क वाले जो वो रावण है ना वो उनका दहन हो चुका था वो फूट चुके थे और हम नहीं देख पाए क्योंकि ये कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है उस वाले पार्क में बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे ही रुक जाओ और जब उनका दहन हो गया ना फिर इतना रोई गुस्सा आता है मेरे को तो बहुत तेज मेरे को ना इस पर बहुत गुस्सा आया पर फिर कोई बात नहीं एक वहाँ पे तीनों रावण थे रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण हम और यहाँ पे सिर्फ एक रावण था लेकिन इस रावण में भी हमें बहुत मज़ा आया इतने सारे बम थे लेकिन बहुत पॉल्यूशन हो गया था यहाँ पे भी पॉल्यूशन तो होते ही तो चलो मैं ना क्यूटी जो है ना वो बिस्किट का वेट कर रही है देखो क्यूटी हेलो हेलो पीछे जो दिख रहा है फैल आ रहा वो हमारे आने के बाद का होता है ये लो क्यूटी ये लो दे दो क्यूटी एक बार ना देख रहे क्यूटी ले अच्छा ले 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 ना गुस्सा हो गई वो अच्छा ले क्यूटी ले क्यूटी तो कुछ इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया दशहरा आप सबने कैसे किया प्लीज़ कमेंट में बताना और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर